हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज आठवें दिन हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर स्टैंड अलोन क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ में इसको किसी भी चैप्टर के अंदर मिक्स किया जा सकता है अदर कंसेप्ट्स के साथ। हम पढ़ने वाले हैं आज कॉलिजन्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा वेटेज कैरी करता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो तो, राइट। अब आपको नॉर्मली जब कॉलिजन्स पढ़ाई जाती है तो इसके बारे में बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको बता दिए जाते हैं और उनको रटने के अंदर आपकी पूरी की पूरी जान निकल जाती है, जबकि आज हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आप बहुत कम इंफॉर्मेशन के दम पर बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसकी जो शुरुआत है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सबको पता होगा कि अगर सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आपस में इक्वल होंगे, चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कॉलिजन की डेफिनेशन में ही ये छुपा हुआ है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो बहुत ही कम टाइम के लिए वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्सेज हमेशा इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो माना जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कॉलिजन हो, आपका मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब कॉलिजन जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए हमने उसे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया और उनमें से जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है इलास्टिक कॉलिजन। ये एक आइडियल कॉलिजन है, मतलब नेचुरली आपको ये नहीं दिखाई देगी, जस्ट एक कंसेप्ट है। क्या कहती है ये बताती है कि इसके अंदर एक तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, वो किसी भी कॉलिजन के अंदर रहेगा, यानी कि M1U1 प्लस M2U2 किसके इक्वल हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 के इक्वल हो जाएगा। M1 M2 दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कोलाइड कर रहे हैं उनका मास है और V1 V2 और U1 और U2 ये उनकी वेलोसिटीज है, U1 U2 बिफोर कॉलिजन एंड V1 V2 आफ्टर कॉलिजन, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसको इलास्टिक कॉलिजन बनाती है वो है सेकंड फैक्ट कि इसके अंदर एनर्जी जो है सिस्टम की वो भी कंजर्वड रहती है, यानी कि हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहां पर आपको पता चलेगा कि यार ये एनर्जी कंजर्व रहने वाला फंडा है, ये इसको एक आइडियल कॉलिजन बनाता है। क्यों? क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, राइट, तो वो कॉलिजन के दौरान एक दूसरे के अंदर डिफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। जैसे दो बॉल्स को आप इमेजिन करो, वो जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे को पिचका देती है, राइट। अब कुछ मटेरियल तो ऐसे होते हैं जिनमें ये जो डिफॉर्मेशन जनरेट हुआ है ये वापस से रिगेन कर लिया जाता है, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन की फॉर्म में गई थी वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, वो तो कहलाती है आपकी इलास्टिक कॉलिजन। बट अब आपको पता पड़ गया होगा कि यार आइडियली तो ऐसा नहीं होता, जब एक कार ट्रक से टकराती है तो हमने देखा है कितना भयंकर वाला डिफॉर्मेशन जनरेट होता है और फिर वापस से वो रिगेन भी नहीं किया जा सकता। तो नॉर्मली जो कॉलिजन्स पाई जाती है नेचर के अंदर वो इन इलास्टिक कॉलिजन होती है। इलास्टिक कॉलिजन जस्ट केवल और केवल एक आइडियल कंसेप्ट है, राइट। एक नंबर हमने और डिफाइन कर रखा है, उसके थ्रू भी हम पहचान सकते हैं कि आपकी कॉलिजन इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। उसको बोला जाता है कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होती है वो नॉर्मली लिखी जाती है U1 - U2। U1 का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो अप्रोच कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है टकराने से पहले, और U2 का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो धीरे धीरे चल रहा है। भाई आगे वाला ऑब्जेक्ट धीरे चलेगा तभी तो पीछे वाला आगे उससे टकराएगा, ठीक है। तो U1 - U2 जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी और टकराने के बाद में सिचुएशन उल्टी हो जाती है, जो पहले तेज चल रहा था वो धीरे चलने लगता है और जो पहले धीरे चल रहा था वो तेज चलने लगता है, अगर सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं तो फिर आपकी जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है वो V2 - V1 हो जाती है। अगर आपको कंफ्यूजन से बचना है तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी हम कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे, एक तो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे, राइट। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हमेशा हायर वेलोसिटी में से लोअर वेलोसिटी को माइनस करेंगे, दोनों तरफ, बिफोर कॉलिजन भी और आफ्टर कॉलिजन भी। तो आपका जो कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होता है, राइट। तो इसकी जो वैल्यू होती है इलास्टिक कॉलिजन के लिए वो होती है 1। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इलास्टिक कॉलिजन के लिए कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, 1 होता है, आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर अगर आप हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हो, हेड ऑन का मतलब होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट टकराते हैं
और टकराने के बाद में मूव करने लगते हैं, और ये पूरी की पूरी मोशन एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है, मल्टी डायमेंशंस इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम ये दो रिजल्ट्स और ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इन फॉर्मूलाज को नहीं रटना, बट उसकी जगह पर आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो दोनों फॉर्मूलाज आए हैं कि टकराने के बाद में पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी और टकराने के बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, ये आए हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से, या फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाएंगी तो आप इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रह पाएगा, और याद रहेगा भी तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं हम अक्सर, राइट। बट फिर भी अगर आप इसको याद करने की कोशिश करते हैं और अगर आपको ये याद रह जाता है तो आपकी थोड़ी सी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो V1 जो होगा वो तो हो जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U2। अगर आप याद करना चाहते हो, एक पैटर्न नजर आ रहा है कि V1 फाइंड आउट कर रहे हो तो U1 के साथ ऐसा वाला और U2 के साथ ऐसा वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है, और अगर V2 फाइंड आउट करोगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। अब की बार U2 के साथ ये वाला जो वहां पर था ब्रैकेट और M2 माइनस M1 हो जाएगा, और U1 के साथ ये वाला ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाइड होगा। बट ये सबके अलग अलग तरीके हैं, आप अपना जो भी तरीका है ठीक है उसको यूज कर सकते हो इन रिजल्ट्स को याद करने के लिए। यहाँ पे दो तीन चीजें हमें और अच्छे से ध्यान रख लेनी है, कुछ दो तीन स्पेशल केसेस हैं। जैसे सबसे पहला स्पेशल केसेस है कि अगर एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट, एक बहुत हल्के ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है, उससे टकराता है इलास्टिकली, तो उसके बाद में क्या होगा। तो इसके लिए आप ना एक एग्जाम्पल ध्यान में रखो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि एक बच्चा है और एक गुब्बारा रखा हुआ है, बैलून रखा हुआ है जो कि बहुत हल्का होता है बच्चे के कंपैरिजन में, तो वो रखा हुआ है और बच्चा भागते भागते, नॉर्मली आपने देखा होगा बच्चों को मॉल वगैरह के अंदर खेलते रहते हैं वैसे, तो भागते 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 आके बच्चा उस गुब्बारे से क्या करता है, टकराता है। तो अब आपको ये रिजल्ट ध्यान रह जाएगा, जब बच्चा उस गुब्बारे से टकराता है तो बच्चे की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि गुब्बारा जो है वो बच्चे की स्पीड से भी दुगनी स्पीड से आगे की तरफ भागने लगता है। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया कि जब एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट एक बहुत लाइट ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है इलास्टिकली, जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है, तो हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो दुगनी स्पीड से क्या चला जाता है, आगे चला जाता है। किसकी दुगनी स्पीड? हैवी ऑब्जेक्ट की दुगनी स्पीड से आगे चला जाता है। दूसरा इसका रिवर्स क्या है, रिवर्स कि अगर एक हल्का ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक गेंद ले ली, एक बॉल ले ली, राइट, एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से टकराता है जो कि रेस्ट पर है, जैसे दीवार हो गई, दीवार रेस्ट पर और बहुत हैवी होती है बॉल के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, तो आपके दिमाग में है ऑलरेडी पिक्चर कि बॉल जो है वो तो टकरा के वापस से रिबाउंड हो जाती है, जबकि जो हैवी ऑब्जेक्ट है दीवार उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो यूं का यूं रेस्ट पर बना रहता है। हालांकि ये सारे के सारे रिजल्ट आप यहां से भी देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि इफ M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, राइट, जो टकरा रहा है वो बहुत हैवी हो जिससे टकरा रहा है उसके कंपैरिजन में, तो आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो। M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 का मतलब है आप M2 को M1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हो, तो M2 नेगलेक्ट कर दिया, M1 डिवाइडेड बाय M1 ठीक है कैंसिल होके 1 हो गया, तो V1 इज इक्वल टू U1 आ जाएगा, और U2 तो आपने 0 माना ही है, जो ऑब्जेक्ट है उसको, तो आपने बोला कि जो ऑब्जेक्ट हैवी था उसकी वेलोसिटी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और यहां पे देखोगे तो आप M2 को नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे M2 का आपने नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे माइनस M1 और माइनस M1 बचेगा, माइनस बच जाएगा, बट U2 जीरो होने की वजह से पूरा का पूरा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आओगे तो M2 को आपने नेगलेक्ट कर दिया, M1 से M1 कट गया, 2U1 बच जाएगा, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ U1 हो जाएगी, हैवियर ऑब्जेक्ट की दुगनी हो जाएगी। तो मैं जस्ट केवल आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्टली ये पूछी जाए उसके चांसेस कम है, और अगर इनडायरेक्टली पूछी जाती है तो आप आसानी से इक्वेशन सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जो अदर टाइप ऑफ कॉलिजन है उसको हम और दो कैटेगरी में, फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को अपन बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे टकराते हैं, दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन जनरेट होता है, और दोनों के दोनों ही उस डिफॉर्मेशन को रिगेन करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। इसका मतलब है टकराने के बाद में वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर साथ साथ मूव करने लगते हैं।
तो बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन। अब जब टकराने के बाद में वो साथ साथ मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हुआ करता था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही जीरो है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मिनिमम वैल्यू है, राइट? मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, दोनों ऑब्जेक्ट टकराने के बाद में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो जो ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट बना चिपकने से, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कॉलिजन? तो वो आप इससे निकाल लोगे। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू किसके इक्वल हो जाएगा? एम वन प्लस एम टू दोनों चिपक गए टाइम्स वी, दोनों की जो भी कंबाइंड वेलोसिटी, तो वी की वैल्यू आ जाएगी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखो क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज आता है। साथ ही साथ में ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का रिजल्ट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप एक और जगह यूज कर सकते हो। हम जब कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तब आप एक टॉपिक पढ़ोगे, जब दो कैपेसिटर्स को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है और वो फाइनली तब तक होता रहता है जब तक उनका पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए। आई होप आपको सबको पता होगा पोटेंशियल चार्ज और इन सब के बारे में, सबके सब आई होप आप में से इन सब चीजों के प्रति अवेयर होंगे, राइट? तो उसमें भी जो फाइनल पोटेंशियल आता है उसका फॉर्मूला ऐसा ही आता है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। वहां पे एम वन की जगह आ जाता है सी वन कैपेसिटेंस, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू। और यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी आ जाता है हाफ सी वन सी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू माइनस टाइम सी वन माइनस सी टू का होल स्क्वायर। तो इसलिए भी ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली रेप्लीकेट होते हैं। आपको एक ही इन्फॉर्मेशन को दो जगह यूज करने का अगर मौका मिल रहा है तो उसको पकड़ लो क्योंकि वो आपकी काफी हेल्प कर सकती है, राइट? तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में बात हो गई। अब लास्ट जो आपको ध्यान रखनी है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में बात हो गई। अब जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वो है आपकी इन इलास्टिक कॉलिजन, इन जनरल इन इलास्टिक कॉलिजन, राइट? तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, तो एक इक्वेशन तो हमें वहां से मिल जाएगी। इसका जो कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो जीरो से लेके वन के बीच में होता है। जीरो परफेक्टली इन इलास्टिक, वन परफेक्टली इलास्टिक, और उन दोनों के बीच में हो जाएगी आपकी इन इलास्टिक कॉलिजन। इसके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला ध्यान रखना लगभग ऐसा ही है, वन माइनस ई स्क्वायर जो है वो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। बाय द वे आप क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस बना के भी इसको डिराइव कर सकते हो, बट उसमें टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो, राइट? और लास्ट जो चीज है जिसके ऊपर रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट जब भी पूछे जाते हैं तो काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो है ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद में वो एक सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं करते, वो मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं। मतलब एक इधर चला जाएगा तो दूसरा इधर चला जाएगा। जैसे आपने वो बिलियर्ड्स वाला गेम खेला होगा तो उसके अंदर जब दो बॉल्स टकराती हैं तो हार्डली आपने देखा होगा कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करती है टकराने के बाद में। नॉर्मली जो कॉलिजन होती है वो कैसी होती है? ऑब्लिक कॉलिजन होती है, राइट? इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करने का एक तरीका है। आप दो डायरेक्शन चूज कर लो, एक तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाली डायरेक्शन थी ना जिस लाइन के अलोंग वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, एक तो वो डायरेक्शन चूज कर लो और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज कर लो। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके अंदर बिफोर कॉलिजन जो होगा मोमेंटम जीरो होगा, तो आपकी एक बहुत आसान सी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है? तो इसके अंदर आप बेसिकली दो डायरेक्शन चूज करते हो, सारी की सारी वेलोसिटीज के इन दोनों डायरेक्शन के अंदर कॉम्पोनेंट लेते हो और उन दोनों डायरेक्शन के अंदर अलग अलग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हो, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। टफ कैलकुलेशन वाली चीजें कभी पूछी जाएगी नहीं एग्जाम के अंदर, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? और ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली पूछा जाता है कि अगर एक एम मास की बॉल रेस्ट पर रखी हुई दूसरी एम मास की बॉल से टकराती है इलास्टिकली एंड ऑब्लिकली, मतलब इलास्टिक कॉलिजन है और ऑब्लिक कॉलिजन है, तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि टकराने के बाद में वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको डिराइव भी किया जा सकता है। आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो इसमें यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दूसरी तो रेस्ट पर है, पहले की वेलोसिटी यू है, टकराने के बाद में एक की वेलोसिटी वी वन एक की वी टू हो गई, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर से आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। इसका मतलब है पक्का वी वन और वी टू के जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए।
ऐसे ध्यान रख सकते हो, बट ये रिजल्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिंगल पेज के अंदर आपको आरडीटीडी लाइंस के बीच में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये बेसिकली आपका मैप हो गया, एक नक्शा हो गया कॉलिजन का। कॉलिजन का जब भी कोई सवाल आपके ऊपर फेंका जाएगा तो ये जो नक्शा है ना, ये आपकी हेल्प करेगा। और इसी तरीके के नक्शे बनाने के लिए कहता हूं मैं आपको हमेशा। अब आप बनाते नहीं हो तो मुझे ही आपकी हेल्प करनी पड़ रही है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और बेटर तरीके से आप रिवाइज कर सको इसके लिए आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट जो है वो लेके अपने पास में रख ले, राइट। तो ये कंसेप्ट मैप हो चुका है हमारे लिए कॉलिजन का, ठीक है। चलो, तो अब इस मैप के बेसिस पे हम लोग वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वाकई फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान रखने की जरूरत होती नहीं है। पता नहीं क्यों इतना पढ़ाते हैं हमें फिजिक्स लोग यार। पहला क्वेश्चन देखो, अ बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स बाय इटसेल्फ इनटू थ्री इक्वल मास फ्रेगमेंट्स, द वेलोसिटी ऑफ टू फ्रेगमेंट्स आर दिस एंड दिस, द वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट इज, तीसरे फ्रेगमेंट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अब बेसिकली जब कोई चीज रेस्ट पर रखे रखे फट जाती है ना, एक्सप्लोजन जो होता है उस फटने के दौरान सारे के सारे फोर्सेस इंटरनल होते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो कौन सा रूल लगना चाहिए यहां पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बोल रहा है कि एक फ्रेगमेंट है उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 2j कैप, एक फ्रेगमेंट है उसका मास भी m है बट उसकी वेलोसिटी है -i कैप -4j कैप, और जो तीसरा फ्रेगमेंट है उसका मास भी m है बट हमें उसकी वेलोसिटी नहीं पता। तो ये तीनों के मोमेंटम हो गए, उन तीनों का हमने सम कर दिया टकराने से पहले, या सॉरी एक्सप्लोजन से पहले जो उनका नेट मोमेंटम था, तीनों के तीनों शांति से रेस्ट पर रखे हुए थे, कितना था 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से v की वैल्यू मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि m से m तो कट जाएगा और v की जो वैल्यू है वो फाइनली आपको मिलेगी, देखो यहां पे मिलेगा 3i कैप -i कैप यानी कि 2i कैप बचेगा, और इसको आप उधर की तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 2i कैप आ जाएगा। इधर देखो +2j -4j यानी कि माइनस का 2j बचेगा और उसको उधर लेके जाओगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे +2j कैप। तो आपकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए थर्ड सेगमेंट की वो होनी चाहिए -2i कैप +2j कैप, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि मेरी कैलकुलेशंस पे भरोसा मत करो, खुद एक बार वेरीफाई करना, आई होप वी आर राइट। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स इनटू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, अगेन एक्सप्लोजन हो रहा है तो हिंट मिल गया होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया जा सकता है, विच मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। हिंट दिया गया है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी e1 एंड e2 इज, देखो पहले ये ऐसे रखे हुए थे, फिर अचानक से यहां से एक टुकड़ा निकला इधर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से v1, और एक टुकड़ा निकला इधर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी की तरफ, ठीक है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो टोटल मास कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है, और उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद में हमें मिलेगा m1 v1 minus m2 v2 is equals to 0। पहले रेस्ट पर रखे हुए थे तो इनिशियल मोमेंटम 0, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया तो ऑब्वियसली ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां से m1 v1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, m2 v2 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि एक्सप्लोजन होने के बाद में इसका जो मोमेंटम है और इसका जो मोमेंटम है वो मैग्नीट्यूड में आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1, और इसकी काइनेटिक हो जाएगी मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m2। अब मुझे ये मत बोलना कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ mv स्क्वायर होता है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ही आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में भी लिखा जाता है p² / 2m, तो जिसने अच्छे से देखा था उसको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी यहां पर। अब आपने अभी अभी बोला था कि मोमेंटम p1 और p2 तो आपस में एक दूसरे के इक्वल है इसलिए कट जाएंगे, ठीक है, और सॉरी
अपनों को एनर्जीज का रेशियो निकालना था, राइट, इक्वल नहीं करना, रेशियो निकालना था अपनों को। तो यहां पर अपन पहले वाले की एनर्जी लेंगे P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M1, और दूसरे वाले की एनर्जी लेंगे P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ M2। यही किसके इक्वल हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो P1 और P2 तो आपस में इक्वल इसलिए कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, M2 आ जाएगा ऊपर और M1 रह जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा M2 डिवाइडेड बाय M1। तो दोनों की जो एनर्जीज का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, M2 डिवाइडेड बाय M1 के इक्वल होगा, राइट। तो अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना है और आप आसानी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओगे। मेन जो फंडा था वो था यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको पहचान लिया, क्वेश्चन आपकी हाथ में। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v टुवर्ड्स ईस्ट स्ट्राइक्स अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास मूविंग विद सेम स्पीड v टुवर्ड्स नॉर्थ। तो एक भाई साहब जी तो जा रहे हैं ईस्ट की तरफ और एक भाई साहब जी आ रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है। इसका मास m है, स्पीड v है, इसका मास भी m है, सेम मास बोल रखा है और सेम स्पीड बोल रहा है, स्पीड सेम है, देखना डायरेक्शन अलग अलग हो गई तो वेलोसिटी दोनों की अलग अलग होगी, राइट। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द टू पार्टिकल्स फ्यूज टुगेदर विथ व्हाट स्पीड दिस न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m विल मूव इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फ्यूज टुगेदर का मतलब है दोनों के बीच में जो टक्कर हुई होगी वो कैसी टक्कर हुई होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुई होगी, राइट। बट मोमेंटम तो हर तरीके की कॉलिजन के अंदर कंजर्व रहता है, तो सबसे पहले अपन यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसकी स्पीड को लिखें, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड को लिख सकते हैं अपन वी टाइम्स आई कैप, और इसकी स्पीड को लिख सकते हैं अपन वी टाइम्स जे कैप, क्योंकि ये किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो हमने देखा था कि दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी पहले का मास और पहले की वेलोसिटी, फिर दूसरे का मास और दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दोनों के मासेस का सम। m से m कैंसिल हो गया, तो यहां पे बच जाएगा v डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स i कैप प्लस j कैप, तो ये कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगी उनकी, ठीक है ना। अब देखो कंबाइंड वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, i कैप प्लस j कैप, तो अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आपको सीधा सीधा पता पड़ जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली। खैर ये अपने क्वेश्चन में खुद ने बता दिया गया है, अगर पूछता तो हम बता देते। अब पूछा गया कि बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब कई बच्चे यहाँ पे वी बाय टू डायरेक्ट खुशी खुशी में आंसर टिक करके आ जाएंगे, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि मैग्नीट्यूड निकालने का सर ने बहुत आसान तरीका बता रखा है। ये तो वी बाय टू रह जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट पहले का स्क्वायर और दूसरे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट टू, और अंडर रूट टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी आंसर फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वी बाय रूट टू मिलेगी। तो ये कंबाइंड वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है, वी डिवाइडेड बाय रूट टू। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो समझ में आया वो ये है कि यार जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो जरूरी नहीं है हमेशा स्केलर फॉर्म के अंदर ही अप्लाई किया जाए, या जो सर ने कॉलिजन्स के फॉर्मूलाज हैं वो जरूरी नहीं है हमेशा स्केलर फॉर्म में ही यूज किए जाए, उनको आसानी से वेक्टर फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, फिर आखिरी में मैग्नीट्यूड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ बुलेट ऑफ मास पी इज फायर्ड विथ वेलोसिटी क्यू इन अ लार्ज बॉडी ऑफ मास आर, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी। ये आपका मास क्या है, आर है, और इसके अंदर एक गोली चलाई जा रही है जिसका मास है पी, और इसकी स्पीड जो है वो दी गई है आपको क्यू। फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, नॉर्मली जब गोली इससे टकराएगी तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, गोली इसी के अंदर फंस जाएगी और फिर दोनों साथ साथ मूव करने लगेंगे, कैसी कॉलिजन हो गई, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हो गई। तो आपकी जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, पहले का मास मल्टीप्लाइड बाय पहले की वेलोसिटी,
दूसरे का मास मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की वेलोसिटी, दूसरा तो रेस्ट पर रखा हुआ था, डिवाइडेड बाय पहले का मास प्लस दूसरे का मास। तो यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस आर। बस केवल और फिर घुमाने की कोशिश करी गई है सिंबल्स की फॉर्म में, तो आपका जो ऑप्शन नंबर टू है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी चालाकियां खेली जाती हैं आपके साथ में। अ स्फीयर ऑफ मास एम मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ मास एम। तो ये एम मास का जो पार्टिकल है ये स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, और ये एक और एम मास का पार्टिकल है, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अपन ले लेते हैं यू, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो स्फीयर ऑफ मास एम मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास, ठीक है ना, स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन को अपन डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू स्फीयर्स आफ्टर कॉलिजन विल बी इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, इसका मतलब है ये इन इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहा है, बट हमें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है मोमेंटम आपका क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। अब देखो अगर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, तो आपकी पहली इक्वेशन जो बनेगी वो कैसे बनेगी, इसका मोमेंटम दैट इज एम टाइम्स यू, इसका मोमेंटम दैट इज जीरो। फिर उसके बाद में ये सपोज करो वी वन से मूव करने लग गया और ये वी टू से मूव करने लग गया, तो एम टाइम्स वी वन प्लस एम टाइम्स वी टू। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यू सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, वी वन प्लस वी टू के इक्वल आ जाएगा। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मैंने बताया था कि आपका जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो पहले रेस्ट पर था, ये भाग रहा था, फिर उसके बाद में ये भागने लगेगा और इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो अपन लिखेंगे यहां पे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। तो u1 माइनस u2 तो किसके इक्वल है, u के इक्वल है, और दूसरे की वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि v1 और v2 का रेशियो कितना होगा, और v1 और v2 का रेशियो किस तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले तो अपन इसको थोड़ा सा और आसानी से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा e टाइम्स u इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो एक तरफ हमें v1 प्लस v2 मिल गया, एक तरफ हमें v2 माइनस v1 मिल गया, ठीक है। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने से देखो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले ऐड करेंगे तो u और eu दोनों ऐड हो जाएंगे, u कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस e बचेगा। इधर देखो v1 से v1 कट जाएगा ऐड करने पर, और v2 ऐड होके कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ v2 हो जाएंगे। तो v2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 प्लस e के इक्वल हो जाएगा। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो उठा के हमने इस इक्वेशन के अंदर रखा, तो u इज इक्वल टू v1 हमें निकालना है प्लस ये कितना है, u डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 प्लस e है। इसको इधर लेके आएंगे तो u माइनस u बाय 2 टाइम्स 1 प्लस e इज इक्वल्स टू वी वन, यानी कि 2u माइनस u माइनस यू ई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू वी वन, यानी कि वी वन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2u में से u चला जाएगा, u बचेगा और उस u को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 2। तो आप v2 निकाल चुके हो, आप v1 निकाल चुके हो, तो अब तो दोनों का रेशियो निकाला जा सकता है, यानी कि आपसे पूछा गया था v1 डिवाइडेड बाय v2 कितना होगा, तो v1 की वैल्यू है u बाय 2 1 माइनस e और इसकी वैल्यू है u बाय 2 1 प्लस e, दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 1 माइनस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। और अब इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट ध्यान भी रख लेना है, जैसे अपनों ने वो 90 डिग्री वाला रिजल्ट ध्यान रखा था कि जब दो सेम मास के ऑब्जेक्ट जिसमें से एक रेस्ट पर है और दूसरा पीछे से आके टकरा रहा है,
एक दूसरे से इन इलास्टिकली टकराते हैं विद कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, तो बाद में जो भी उनकी वेलोसिटीज होगी उसका रेशियो वी वन डिवाइडेड बाई वी टू किसके इक्वल होगा, वन माइनस ई डिवाइडेड बाई वन प्लस ई के इक्वल हो जाएगा। बाकी सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो तो अपन बहुत आसानी से देख ही सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैथ्स यूज करना आती तो मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बता सकता था, बट उसकी तरफ जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। अपन सिंपल इसी तरीके से देख लेंगे, राइट। टू इलास्टिक बॉडीज पी एंड क्यू हैविंग इक्वल मासेस आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन विद वेलोसिटीज ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देयर वेलोसिटीज आफ्टर द इलास्टिक कॉलिजन विल बी। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? एक तो तरीका यह है कि आपको फॉर्मूला ध्यान हो, जैसे आपको पता हो कि यार v1 का जो फॉर्मूला हुआ करता था वो हुआ करता था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ट्वाइस ऑफ m2 आएगा यहाँ पे टाइम्स u2, ये हुआ करता था फॉर्मूला, ठीक है। तो एक तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो, जैसे कह रहा है कि दो बॉडीज है पी एंड क्यू इक्वल मास वाली, यानी कि एम वन और एम टू आपस में इक्वल है, तो आप एम वन और एम टू दोनों की जगह ही क्या रख दो, एम रख दो। मूविंग अलोंग द सेम लाइन विथ वेलोसिटीज 16 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, तो यू वन की वैल्यू 16 हो गई और यू टू की वैल्यू 10 हो गई। यू वन का मतलब है जो ज्यादा से चल रहा है, यू टू का मतलब जो कम से चल रहा है। तो v1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो सिंपली आ जाएगी m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m टाइम्स u1 हो गया 16 प्लस ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाय m प्लस m, u2 हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये तो जीरो हो जाएगा और ये m से 2m कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बचेगा 10। तो v1 की वैल्यू तो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसी तरीके से जब आप v2 की वैल्यू निकालोगे ना तो वो आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे आपको एक हल्का सा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट विथ सेम मास एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज जो है वो आपस में क्या हो जाया करती है, इंटरचेंज हो जाया करती है। तो अभी तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो इस फैक्ट को हमें ध्यान रखना है कि जब भी दो सेम मास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये फैक्ट पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हैं कि जिसकी 16 है उसकी 10 हो जाएगी और जिसकी 10 है उसकी 16 हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो छोटे छोटे फैक्ट्स जो है वो आपको हर क्वेश्चन से मिल रहे हैं और मेरा यही मकसद है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम होनी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन तक कैसे पहुंचा जाए वो आपको पता होना चाहिए, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली यूज कैसे किया जाए उसकी करामात आपके हाथ में होनी चाहिए, और तब देखो आपको नीट के अंदर कोई रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ग्राम बुलेट मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इनटू अ 950 ग्राम स्टेशनरी बॉडी, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी। कैसी कॉलिजन है ये, क्या ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है? आप बोलोगे सर यस। तो क्या हमें उसका फॉर्मूला पता था कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना लॉस होता है, हाफ एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू टाइम्स यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर। देखो हाफ एम वन एम टू, एम वन है आपका 50 ग्राम, ठीक है, और एम टू है आपका 950 ग्राम डिवाइडेड बाय 50 ग्राम प्लस 950 ग्राम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000 ग्राम्स आ जाएगा। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया, और चलेगा अगर मैं नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं दोनों तरफ जो है किसका रेशियो ले रहा हूं, मासेस का रेशियो ले रहा हूं, ठीक है ना। खैर ओके,
तो हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू टाइम्स यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर, वैल्यूज अपन रखते हैं इनकी फटाफट से, तो ये हाफ एम वन की वैल्यू हो जाएगी 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो 1000 से डिवाइड कर दो, 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, 950 ग्राम इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाय 950 + 50 करेंगे तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा, और उसको भी अपन किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 10^-3। यू वन माइनस यू टू, तो यू वन आपको दे रखा है 10 और यू टू आपको दे रखा है रेस्ट पर यानी कि 0, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली 100 आ जाएगा। तो देखो ये 10^-3 से 10^-3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा आपका केवल और केवल हाफ इंटू 50 इंटू 95 इंटू 10^-3। ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए आपका, या फिर अपन इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि हमें बेसिकली परसेंटेज के अंदर आंसर निकालना है, तो हो सकता है आगे अपने आप ही कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए, तो ये तो डेल्टा के ही आ गया। अगर अपन निकालते हैं इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, तो इनिशियली तो एक ही बंदा चल रहा था, केवल और केवल बुलेट ही मूव कर रही थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ, मास था 50 ग्राम यानी कि 10^-3 और स्पीड थी 10 और 10 का स्क्वायर था कितना, 100, ये उसकी इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हमें परसेंटेज के अंदर निकालना है तो किस तरीके से निकाला जाएगा, कितना लॉस हुआ, कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो लॉस तो हुआ हाफ इंटू 50 इंटू 95 इंटू 10^-3, पहले थी हाफ इंटू 50 इंटू 10^-3 इंटू 100 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको 100 से हाफ चला गया, 50 से 50 चला गया, 10^-3 से 10^-3 चला गया, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए, 95%। तो इस प्रोसेस के अंदर 95% एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको फॉर्मूला पता था, आपने कैलकुलेशन से भी बचाव कर लिया अपना और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ बुलेट ऑफ मास एम मूविंग विद ए स्पीड वी स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, द फाइनल स्पीड इज, अगेन इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, फाइनल स्पीड हो जाएगी एम वन यू वन यानी कि एम, इसकी स्पीड थी वी, प्लस एम टू यू टू यानी कि एम था ये रेस्ट पर तो जीरो, डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू यानी कि दिस, तो v आ जाना चाहिए आपका m, v डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर लिया। ये देखो क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h ऑन द ग्राउंड लेवल, इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, देन द हाइट अप टू व्हिच द बॉल विल गो आफ्टर nth जंप, इसका रिजल्ट जो आएगा वो अपन डायरेक्ट ध्यान भी रख लेंगे और किस तरीके से आएगा वो अपन सीख भी लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी जो बॉल है उसको एच हाइट से ड्रॉप किया गया, तो एच हाइट से ड्रॉप किया गया, तो आपने मोशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो जस्ट जमीन से टकराने से पहले उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट 2gh होती है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपनों को कितना दे रखा है, e। अब हमारे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है बॉल और एक है दीवार, तो e जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर अपन पॉजिटिव मानते हैं तो टकराने के बाद में आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जो भी है v हो जाएगी, जो भी हमें निकालना है उसको अपन v मान लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v2 - v1, तो v2 का मतलब हो जाएगा दीवार तो जीरो पर ही रही और v1 हो गया आपका माइनस v। माइनस फॉर्मूले की वजह से आया और माइनस अपने डायरेक्शन की वजह से आया क्योंकि अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव माना है, डिवाइडेड बाय u1 - u2,
तो u1 जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट 2gh, और जो दीवार थी वो तो अगेन रेस्ट पर थी, तो माइनस जीरो। तो इससे हमें v की क्या वैल्यू होगी वो पता पड़ गई, e टाइम्स रूट 2gh, ये किसके इक्वल हो जाएगी, v के इक्वल हो जाएगी। बॉल आएगी इतनी स्पीड से टकराएगी और जब वापस से रिबाउंड होगी तो उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी, e टाइम्स रूट 2gh हो चुकी होगी। और अगर कोई बॉल इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगी तो आपकी बार हाइट कितनी चल पाएगी, तो h डैश जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, अगर आपको मोशन वाला चैप्टर याद है तो उसमें अगर u स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो वो कितनी हाइट तक जाता है, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, e स्क्वायर 2gh डिवाइडेड बाय 2g, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा e स्क्वायर इंटू h। तो अब इस प्रोसेस को अपनों को आगे तक चलाना है, कैसे चलाना है कि सबसे पहले h हाइट तक गया, फिर e स्क्वायर टाइम्स h हाइट तक गया, और अगर आप सेम चीज फॉलो करोगे तो वापस से जमीन पर आएगा, वापस से जमीन पर आएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी, अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच डैश, और एच डैश की वैल्यू कितनी है, e स्क्वायर इंटू एच, तो e टाइम्स रूट 2gh। मैं जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी स्पीड से नीचे आना चाहिए, तो इतनी स्पीड से ऊपर गया था इतनी स्पीड से नीचे आके टकराएगा। फिर अपन यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि e इज इक्वल्स टू 0 माइनस e टाइम्स रूट 2gh डिवाइडेड, सॉरी ये v तो अपनों को निकालना है, यहाँ पे तो अपन v रखेंगे, माइनस v डैश डिवाइडेड बाय e टाइम्स रूट 2gh माइनस 0। तो अब की बार जो v डैश की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, e स्क्वायर टाइम्स रूट 2gh आ जाएगी, यानी कि h डबल डैश जो निकल के आएगा वो इसका स्क्वायर यानी कि e की पावर 4 2gh डिवाइडेड बाय 2g, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 4h के इक्वल निकल के आएगा। तो एक पैटर्न हमें नोटिस होता हुआ फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं हम कि पहले हाइट h थी, टकराया कुछ एनर्जी लॉस हुई, फिर हाइट कम हो गई, कितनी हो गई, e स्क्वायर टाइम्स h हो गई, फिर नीचे आया टकराया कुछ एनर्जी लॉस हुई, हाइट कितनी हो गई, e की पावर 4 टाइम्स h हो गई। तो अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी जो nth जंप होगी उसके बाद में हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, h टाइम्स e की पावर 2n। पावर्स जो देख रहे हो कैसी आ रही है, e1 आ रही है, तो हमारा जो फोर्थ रिजल्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अब इसको अपन एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे कि अगर किसी बॉल को h हाइट से गिराया जाता है और वो इन इलास्टिकली कोलाइड करती है विद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e, तो उसकी nth जंप के बाद में जो हाइट होगी वो कितनी होगी, h टाइम्स e की पावर 2n होगी। ठीक है, तरीका भी ध्यान रखना है और डायरेक्ट रिजल्ट भी ध्यान रखना है। तरीका एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ, गिरेगी स्पीड इतनी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो टकराने के बाद में स्पीड इतनी हो जाएगी, इसकी वजह से ये इतनी हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आएगा तो सेम स्पीड से टकराएगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर जो दोबारा स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर इनटू दिस, और इस स्पीड से अगर ऊपर जाएगा तो दोबारा जो हाइट चलेगा वो कितनी हो जाएगी, इतनी। तो ऐसे चलता रहेगा एंथ जंप के बाद में आप निकाल सकते हो, राइट, कर सकते हैं अपन। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। द बॉब मास m ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल एंड देन रिलीज्ड, इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे एक इक्वल मास का टारगेट रखा हुआ है, ये धीरे धीरे आएगा, इससे ठप से करके टकराएगा। कैसी कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, मास दोनों का सेम है। हमने अभी अभी एक फैक्ट पढ़ा था कि जब दो सेम मास वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो जब ये टकराएगा तब ये तो बन जाएगा स्टेशनरी, ठीक है, और ये भाई साहब जी चलने लगेंगे इसकी स्पीड से।
अब बस आप ये पता लगा लो कि ये जब नीचे आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया हुआ है, हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, रूट टू जी एच होती है। तो यहाँ पे लेंथ एल है, एच की जगह एल दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आते आते जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, रूट टू जी एल हो जाएगी। ये स्पीड फिर इसको दे देगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट टू जी एल हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कि बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, इसका मास m मान लो और स्पीड का स्क्वायर करोगे तो 2gl, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एल। ये इसकी क्या हो जानी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हो जानी चाहिए। तो डायरेक्ट यूज करो, कोई कॉलिजन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट यूज करना है। सर ने बताया था सेम मास के ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। तो जो रेस्ट पर था वो चलने लगा, जो चल रहा था वो रेस्ट पर आ गया। अब कितनी स्पीड पर आया वो आप आसानी से पिछले वाले चैप्टर्स की हेल्प लेके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर सिमिलर स्टेशनरी बॉल। आफ्टर द कॉलिजन बोथ द बॉल्स मूव इन डायरेक्शंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 degrees विद द इनिशियल डायरेक्शन। आफ्टर द कॉलिजन देयर स्पीड विल बी। तो एक बॉल है, वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, अनदर सिमिलर बॉल, सिमिलर बॉल का मतलब उसका मास सेम होगा, तो इसका भी मास m मान लेते हैं, इसका भी मास m मान लेते हैं। आफ्टर द कॉलिजन बोथ द बॉल्स मूव इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 degrees विथ द इनिशियल डायरेक्शन। अभी आगे टकराता है इससे, ठीक है, तो इस लाइन से ये भी 30 degrees पर चला जाता है और जो दूसरी वाली बॉल है वो भी 30 degrees के ऊपर चली जाती है। कैसी कॉलिजन होगी ये, ऑब्लीक कॉलिजन हो गई। आफ्टर द कॉलिजन दियर स्पीड विल बी, तो इसकी स्पीड अपन ले लेते हैं v, इसकी भी स्पीड ले लेते हैं अपन v, और इसकी स्पीड जो है u हमें दे रखी है, u इज इक्वल टू दे रखा है हमें 9 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कितना रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। मैंने बताया था ना, दो डायरेक्शन ले सकते हो, तो लाइन ऑफ मोशन और एक उसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर इसका कॉम्पोनेंट तो हो जाएगा m इंटू v इंटू साइन 30 degrees, और ऐसे ही इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा m इंटू v इंटू साइन 30 degrees। ध्यान रखना अपनों को मोमेंटम का कॉम्पोनेंट लेना है, क्योंकि यहाँ पे खेल मोमेंटम का होता है, वेलोसिटी का मत ले लेना, गलत हो जाओगे, राइट। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे और नेट इस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो, जो कि वेरीफाई हो गया, रहना भी चाहिए, बट इससे हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। इधर की तरफ देखते हैं, इसका स्पीड आ जाएगा, इसका मोमेंटम आ जाएगा एम वी कॉस 30 degrees, और इसका भी इतना ही आ जाएगा, तो अपन इसको ट्वाइस कर देते हैं, तो ये इसका नेट मोमेंटम होगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एम वी कॉस 30। आपका मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि ट्वाइस ऑफ एम वी कॉस 30 degrees, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम, यानी कि एम इंटू 9 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होना चाहिए। एम से एम कट जाएगा, 2 टाइम्स v टाइम्स cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 बचेगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय रूट 3। 9 डिवाइडेड बाय रूट 3 को आप लिख सकते हो 3 रूट 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.732, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 6, 9, 1 पावर चली जाएगी 2, 3 1 3 2 5, यानी कि 5.196, इतना आपका आंसर आ जाना चाहिए। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 5.2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया कि कैसे ऑब्लिक कॉलिजन को हैंडल किया जाता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन के जरिए ऑब्लिक कॉलिजन का जो डर था उसको दूर करने में मदद मिली होगी। अ बॉडी ए एक्सपीरियंसेस परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन विद स्टेशनरी बॉडी बी If after collision the bodies fly apart in opposite direction with equal speeds, the mass ratio of A and B is. तो देखो, a body A experience perfectly elastic collision. ये m A है इसका mass और ये m B है इसका mass. ये भाई साहब जी rest पर रखे हुए हैं और इनकी speed हमें दे रखी है u1 ले लेते हैं अपन अभी एक बार के लिए, right? If after collision bodies fly apart in opposite direction with equal speed,
तो दोनों टकराने के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं। तो बताओ उनके मासिस का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो मोमेंटम सबसे पहले कंजर्व करते हैं अपन, तो मोमेंटम कितना होगा एम ए टाइम्स यू, इसको यू वन को यू ही ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि यू टू है नहीं। और बाद में क्या हो गया, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग गई, तो जो एम ए है उसकी तो स्पीड नेगेटिव भी हो गई और जो एम बी है उसकी स्पीड पॉजिटिव भी हो गई। तो इससे हमें वी की वैल्यू पता पड़ गई कि वी किसके इक्वल हो जाएगा एम ए टाइम्स यू डिवाइडेड बाय एम बी माइनस एम ए के इक्वल जाएगा। और क्वेश्चन की लैंग्वेज से अगर हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो हमें कहा गया है कि v और u आपस में क्या है, इक्वल है, सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गए। तो v और u को अगर सेम रखेंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय एम बी माइनस एम ए टाइम्स u, u से u कट जाएगा, तो एम बी माइनस एम ए किसके इक्वल आ जाना चाहिए, एम ए के इक्वल आ जाना चाहिए, यानी कि एम बी आ जाना चाहिए ट्वाइस ऑफ एम ए के इक्वल, यानी कि एम ए डिवाइडेड बाय एम बी आ जाना चाहिए आपका वन डिवाइडेड बाय टू के इक्वल। तो आपका ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इंटरप्रीट करना मुश्किल था क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो उसको आप इस तरीके से इंटरप्रीट करो कि पहले जिस स्पीड से चल रहे थे बाद में उसी स्पीड से चल रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो वी और यू को इक्वल रखते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच अपॉन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिबाउंड्स, इफ ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर रिबाउंडिंग हैज स्टॉप्ड। ठीक है, मतलब वही वाला सिचुएशन है जो अभी अभी अपन पिछले कुछ क्वेश्चन के अंदर देख रहे, पिछले दूसरे तीसरे पिछले क्वेश्चन के अंदर देख रहे थे कि आप ड्रॉप कर रहे हो, जा रहा है, फिर कम हाइट तक जा रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर कम हाइट तक जा रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर कम हाइट तक जा रहा है, राइट। तो अगर आपको याद हो तो उसमें हाइट्स कैसे आ रही थी, उसमें हाइट आ रही थी सबसे पहले जैसे एच थी हाइट, फिर कितनी हाइट तक जा रहा था वो ई स्क्वायर इंटू एच हाइट तक जा रहा था, फिर ई की पावर फोर टाइम्स एच हाइट तक जा रहा था, फिर e की पावर 8 टाइम्स h हाइट तक जा रहा था। ऐसे चलते 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 आपका इनफाइनाइट टाइम्स वो कॉलिजन करेगा, तो इस तरीके से आपकी डिस्टेंस आती जाएगी। अब ध्यान दो, अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h अपॉन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन रिबाउंड्स, इफ ये हो गया द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब टोटल डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो h डिस्टेंस चलेगा, फिर वो ई स्क्वायर h चलेगा, फिर वो ई स्क्वायर h वापस से चलेगा, फिर वो e की पावर 4 एच चलेगा, और फिर वो e की पावर 4 एच चलेगा, मतलब इसके बाद में सारी की सारी हाइट्स दो बार है। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो इनको सम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा h प्लस ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ e की पावर 4 इंटू एच एंड अप टू इंफिनिटी, अपन इस तरीके से चलाते रहेंगे। अब यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इनमें से कौन सी चीज है जो कॉमन आ सकती है, जैसे एच तो इसको बाहर रखो, यहाँ पे सब में से 2h कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ में e स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, और अंदर बच रहा है 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e की पावर 4, और ऐसे ये चलती चली जा रही है। अब अगर आप इसको नोटिस करो तो ये कैसी सीरीज बन रही है, कैसा प्रोग्रेशन बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बन रही है, और जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना मैंने सिखाया था बेसिक मैथ्स के अंदर, तो ये हो जाएगा 2h e स्क्वायर टाइम्स फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, इस तरीके से होगा। अब इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, एलसीएम लेंगे तो h टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर प्लस 2h टाइम्स e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस e स्क्वायर, फटाफट से सॉल्व कर लो, ये बचेगा h माइनस एच इंटू ई स्क्वायर प्लस टू एच इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, 2h में से h चला जाएगा तो एक पॉजिटिव h बच जाएगा, उसको आप बाहर ले लेना, तो ये बच जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, h टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर।
तो बस वो सिनेरियो आपने जो उस क्वेश्चन में समझा था उसको ध्यान रखो और उसके बेसिस पे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू मासेस m1 एंड m2 कोलाइड द रेशियो ऑफ चेंजेस इन देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज इज प्रोपोर्शनल टू। दो मास है m1 m2 है, रेशियो ऑफ चेंजेस इन देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज इज प्रोपोर्शनल टू। तो जैसे अगर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करें तो m1 u1 प्लस m2 u2 किसके इक्वल आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल आ जाएगा। आप दोनों को इधर ले आओ तो ये m1 कॉमन आ गया, u1 माइनस v1 बचेगा, और इसको उधर ले जाओगे तो m2 कॉमन आ जाएगा, v2 माइनस u2 बचेगा। तो ये इसकी वेलोसिटी का चेंज हो गया, ये इसकी वेलोसिटी का चेंज हो गया। इसको अपन डेल्टा v1 बोल सकते हैं टाइम्स m1, और इसको अपन डेल्टा v2 बोल सकते हैं। तो डेल्टा v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा v2 जो है वो m2 डिवाइडेड बाय m1 के इक्वल होगा। मतलब जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो इनवर्स रेशियो के अंदर होता है मासेस के। मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम चेंज होगी, और जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होगी। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। A sphere P of mass m and velocity v1 undergoes an oblique and perfectly elastic collision with an identical sphere Q at rest. The angle theta between the velocities of the spheres after the collision shall be. मैंने बताया था ये जो केस है डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, रेस्ट पर है, सेम मास है, ऑब्लिक कॉलिजन है, आफ्टर कॉलिजन कितने एंगल पर एक दूसरे से मूव करते हैं, वो 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से मूव करने लगते हैं। तो ऑप्शन 3 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इफ 40% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ऑन कॉलिजन विथ द अर्थ देन आफ्टर कॉलिजन द बॉल विल रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ। तो 40% जो एनर्जी है वो लॉस्ट कर दी गई है, ठीक है। तो पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ टाइम्स मास लेते हैं अपन m, ठीक है, और कितनी हाइट से गिर रहा था 10 मीटर से, तो जो टकराने से पहले स्पीड थी वो थी अंडर रूट 2g मल्टीप्लाइड बाय 10 इसका स्क्वायर। ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। 40% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया 40%, तो केवल और केवल कितनी एनर्जी बची 60% बची। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बची वो बची 60%, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू अंडर रूट 2g मल्टीप्लाइड बाय 10 का होल स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कितनी हाइट तक जाएगा, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, इसको जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको अपन लिख सकते हैं हाफ इंटू एम इंटू जो भी इसकी वेलोसिटी होगी उसके इक्वल। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर बचेगा 60 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय 10। जी को भी अगर अपन 10 मान लें तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल कितना बचेगा 60 इंटू 2 120 बचेगा। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो अब कितनी हाइट तक जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाना चाहिए 6 मीटर। तो अगर 40% एनर्जी लॉस कर दी जाती है तो ऑब्वियसली 10 मीटर तक तो जाएगा नहीं, कितनी हाइट तक जाएगा, केवल और केवल 6 मीटर हाइट तक जाएगा, ठीक है। जो जो कह रहा है वो कर लो, सारा काम आसान हो जाएगा। अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विथ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मास वन ऑफ द पीस रिट्रेसेस इट्स पाथ टू कैनन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा इसको रिट्रेस करने की कोशिश करोगे, आपने v स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था केवल और केवल स्पीड कितनी होती है v cos थीटा होती है। फिर ये दो हिस्सों में टूट जाता है, तो दो हिस्सों में टूट जाता है तो एक तो वापस से रिट्रेस करता है, यानी एक की स्पीड तो एग्जैक्टली कितनी हो जानी चाहिए v cos थीटा हो जानी चाहिए,
और दूसरे की स्पीड कितनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। आपका नेट मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो नेट मोमेंटम कंजर्व कैसे करेंगे, अपन टोटल मास 2m मान लेते हैं, तो पहले मोमेंटम था 2 मल्टीप्लाइड बाय m, टोटल मास था ये, टाइम्स v cos थीटा, और बाद में मोमेंटम कितना हो गया इसका लेते हैं तो माइनस m इंटू v cos थीटा, और इसका मास अगर अपन m लें तो प्लस m टाइम्स v डैश। इसको इधर लाएंगे तो ये 3 mv cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू mv डैश, m से m कट जाएगा तो v डैश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3v cos थीटा आनी चाहिए। तो इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंसेप्ट है वो यूज में आ गया है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर केवल और केवल वेलोसिटी कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी की cos थीटा टाइम्स होती है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दो कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं अच्छे होते हैं, राइट। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो ये जो दो क्वेश्चंस है ये आपके लिए बन जाएंगे फॉलो अप क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का आंसर मैं इंतजार करूंगा कि आप मुझे किसी भी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या कमेंट बॉक्स के अंदर जिस भी तरीके से आप मुझे बता सकते हो उस तरीके से बताने की कोशिश करें, राइट। आपको चेक करना है बेसिकली कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो ये था आज का हमारा day 8, और आज हमने बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल के अंदर कॉलिजन को समझने की कोशिश करी। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग मोस्ट वॉन्टेड सीरीज। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।